थियो प्रहार गर्न गएका थिए। ओ सोमपाल कामी क्या गजबको कनेक्शन, आन्द्रिक नोकिया क्या शॉट प्रहार गरेका छन् यहाँ तक। गुलशन स्ट्राइकमा 8 रन चाहिएको छ र प्रहार गरेका छन् 4 रनका लागि, 2 रन जितका लागि आवश्यक रन आउटको मौका बन्न सक्छ। यहाँ नो मिस गरेका छन् पदेन्द्रिज क्लासेन अन्त्यमा। सारे भारतवासियों और नेपालवासियों को मेरी तरफ से नमस्ते। मेरा नाम है आर्यन और आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। इसका नाम है मैजिकल रिएक्शन। अगर आप मैजिकल रिएक्शन पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि मेरी वीडियो जैसे आप तक पहुंच सके। और थंबनेल देख के आप लोग समझ गए होंगे, जी हाँ, वैसे तो मैं मूवीज का सॉन्ग का, नेपाली मूवीज का सॉन्ग का रिएक्शन करता हूँ, फाइट सीन का, रोमांटिक सीन का, लेकिन आज मैं कुछ अलग करने जा रहा हूँ। जी हाँ, नेपाल और साउथ अफ्रीका का जो मैच हुआ था, तो हालांकि नेपाल हार गई थी लेकिन साउथ अफ्रीका को बहुत मतलब खतरनाक वाला टक्कर दिया नेपाली टीम ने, जो कि सारे मतलब पूरा वर्ल्ड इस टाइम हैरान है कि मतलब अभी बिल्कुल ये इसमें 24-25 साल के लड़के हैं और उसमें साउथ अफ्रीका की टीम और बहुत पुरानी टीम भी है। और आप लोग साउथ अफ्रीका की टीम को जानते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, बहुत खतरनाक प्लेयर है, लेकिन ये नेपाल की टीम में जो यंगस्टर है हमारे नेपाल के, एकदम जोशीले पावरफुल लड़के, इन्होंने हालत खराब कर दी थी, 1 रन से हारे थे। और ये आज रिएक्शन मैं इसलिए करने जा रहा हूँ कि मैंने वो मैच नहीं देखा, लेकिन आज इसका मैं रिएक्शन इसलिए करने जा रहा हूँ कि मैच तो आप देख नहीं सकते, मैं हाईलाइट देखना चाहूंगा और उन लोगों को दिखाना चाहूंगा जिन लोगों ने मैच देखा नहीं था। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं साउथ अफ्रीका वर्सेस नेपाल क्रिकेट मैच। 1 2 3 एंड स्ट्रोक लेफ्ट हैंडेड क्विंटन स्ट्राइक आउट, क्या बात है, विकेट यहां दीपेंद्र सिंह एरी ले दिलाएगा सन पंच करने का आसान कैच दिया बिल्कुल आगे दीपेंद्र सिंह एरी को हाथ में करण किसी बॉलिंग में रीजा हेंड्रिक शानदार शॉट। मजा आ रहा है नेपाली में कमेंट्री सुनने में यार, फिर बनी पैड तरफ को नॉर्मली हम हिंदी में सुनते हैं पर ये नेपाली में मजा आ रहा है। रकुने मौका से ना फील्डर लाई लगातार अंतराल में बाउंड्री प्राप्त करिरहेका छन् रीजा हेंड्रिक्स। शॉट बॉल रहेको थियो कुशल मल्लको बैकफुट में गए स्लैप करने मौका एडन मार्क्रम लाई, फेरि पनि एक पटक शॉर्ट लेंथ बॉल रहेको थियो पुल गर्नका लागि गए फील्डर भन्दा क्याच हो गया, ब्याकफुटबाट शॉर्ट खेल्नका लागि गएका थिए। ओ अविनाश बोहरा शानदार शॉट प्रहार गरेका छन् एडन मार्करमले, यहाँ केही समयका लागि हावामा थियो बॉल, फील्डर इन्ट्रेस्टेड थिए तर मौका थिएन त्यहाँ, आउट 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 गर्नका लागि गए फील्डर सर कुशल बुटेल, क्याच छुट्न पुगेको छ यहाँ, महत्त्वपूर्ण सफलता हुने थियो यो, कुशल बुटेलले क्याच समातेका थिए भने चार आउट कर दिया भाई, यो पटक फील्डर रहेगा संध्या, नो मिस फील्डिंग हुई है यार। डेविड मिलर स्ट्राइक में हवा में उठेको छ बॉल, दीपेंद्र सिंह ले तीसरो विकेट, यहां आक्रामक बैट्समैन डेविड मिलर को विकेट, फुलर लेंथ बॉल रहेको थियो अविनाश बोरा को, ट्रिस्टन सब्स ले लेग साइड को दिशामा फ्लिक गर्दै 4 रन का लागि, ऑल लेग स्पिनर फेरि पनि ल्याइएको छ बॉलिंग में, कुशल बुटेल लाइक 6 रन का लागि प्रहार गरे ट्रिस्टन सब्स, रन मार दिए उन्होंने, तो हिटिंग एबिलिटी देखाउँदै छन् यहां, शानदार छक्का, ऐतिहासिक खेलमा जिता पार्न 116 रनको आवश्यकता, कुशल बुटेल केही समस्याले 4 रन फेरि पनि प्राप्त गरे, उनले खेल्न चाहन्थे आउटसाइड अफ स्टम्पको बललाई, बलको मुभमेन्ट थियो त्यहाँ, आसिफ शेख आपको ले मौका पाए आउटसाइड अफ स्टंप स्ट्रेंथ आसिफ को, कुशल बुटेल ओ रैंप करने का लागि गए, इनोवेशन यहां कुशल बुटेल टाइम मार दिया पीछे को यार, रन का लागि 65 मीटर को छक्का प्रहार गरेका छन् यहां, ओ फुलर लेंथ पे बॉल रहेको थियो बैटमैन को, प्रहार गरे आसिफ ले आउटसाइड अफ स्टंप, यहां समस्या मा थी मतलब कुछ रन जो है ना एक्स्ट्रा रन आए थे, आसिफ लेग साइड को दिशा मा शानदार स्ट्रोक 4 रन का लागि, रिस्ट वर्क हेरौं कति गजब को छ, अनिल शाह समस्यामा देखिन्थे कि जानका लागि, बट कन्ट्रोल थियो, 4 रन
आउटसाइड ऑफ स्टंप हाथ खोलने मौका पाया अनिल कुमार साहब फील्डर को जस्ट क्लिप मात्र रहेको थियो यो त विराट कोहली वाला दिशामा चार रन शॉट है आउटसाइड ऑफ स्टंप फेरि पनि अनिल को रेंज मा थियो बॉल फील्डर दिए तर उनी भन्दा माथि छ रन क्या गजबको ब्याटिङ क्या टाइमिंग हो क्या मस्त लगायो लड्के ने यार र रिजल्ट पनि प्राप्त गरिरहेका छन् यहाँ मौका थियो न फील्डर लाई कुनै पनि आसिफ सेकी स्ट्राइक मा पुल गर्ने मौका पाए ब्याक फुटबाट काजी सुरबलालाई र मिसफील्ड चार रन का लागि ओ गजबको स्ट्रोक क्या टाइमिंग है आसिफ सेकी को ब्याटबाट यो बॉल त ग्राउन्ड भन्दा बाहिर पर छक्के 98 मिटरको छक्का ब्याक फुटबाट पुल गर्दै प्रहार गरेका छन् आसिफले महत्त्वपूर्ण इनिङ खेलिरहेका छन् अनिल यहाँ तर हावामा आउट लाग रहा मुझे केवल उचाइ प्राप्त गरे डिस्टेंस थिएन र राम्रो क्याच मार्को एन्सन महत्त्वपूर्ण सफलता यहाँ साउथ अफ्रिका लाई र नेपाल समस्यामा अब डाउन द लेगको बल रहेको थियो अपील रहेको छ अम्पायरले पनि औला उठाए विश्वास भएको थिएन दीपेन्द्र सिंहरीलाई तर ग्लोब्समा लाग्न पुगेको थियो र यो डिसिजन पनि गएको छ साउथ अफ्रिकाकै फेभरमा ओ कतो विकेट आसिफको विकेट प्राप्त गरेका छन् महत्त्वपूर्ण विकेट सेट ब्याट्सम्यानलाई पभिलियन फर्काएका छन् द्रवरेज शम्सी उनको स्पिनले काम गर्दैछ कुशल मल्ल मारे यार क्या हो रहा है सनान्द्रिक नोकियाले यहाँ 11 बोलो पे 16 रन चाहिए प्रहार गर्न गएका थिए ओ सोमपाल गजबको कनेक्शन आन्द्रिक नोकिया क्या शॉट प्रहार गरेका छन् ये भी छक्के फेंक दिया देन स्लोअर बॉल रहेको थियो 105 मीटर को छक्का सोमपाल कामीको ब्याटबाट गुलशन स्ट्राइक मा 8 रन चाहिएको छ र प्रहार गरेका छन् 4 रन का लागि 2 रन जीत का लागि आवश्यक रन आउट को मौका बन्न सक्छ यहाँ नो मिस गरेका छन् ये मिस्टेक हो गया ये मिस्टेक हो गया यो मौका बन्न सक्छ साउथ अफ्रिकालाई के पुग्न सक्छ यो मिस्टेक यार इन्चेज इन्चेज ले गर्दा उनी त्यहाँ आउट हुन पुगेर यो क्लोज म्याच मा दक्षिण अफ्रिकाको विरुद्धमा 1 रन को हार बेहोरेको छ नेपालले वेल प्लेड नेपाल खत्म इसी के साथ यह वीडियो हुई समाप्त क्या ही बोलूं अगर वो 1 रन भी ले लेते ना लास्ट में तो मुझे ऐसा लगता है कि ड्रॉ हो जाता मैच और फिर एक एक ओवर का वो खेलते ना दोबारा से जो एक ओवर में ज्यादा रन बनाएगा वो जीत जाता पर गलती यहाँ पे क्या हुई है जहां तक मुझे लग रहा है नॉर्मली क्या होता है जब वो विकेट आउट करने लगे ना जो रन ले रहा था लड़का तब उसने ऐसे किया आपने नोटिस किया होगा जब वो विकेट आउट करने के लिए कर रहे थे तब उसने ऐसे भागा उसको भागना चाहिए था जैसे ज्यादातर क्या होता है जैसे रन ले रहे हैं उनको पता है कि अब आउट हो जाऊंगा या तो जान लगा दो तो क्या होता है लास्ट में लेट जाते हैं लेट के घिसटते हुए जाते हैं कि भाई आउट ना हो जाए और यहाँ पे इस लड़के ने मिस्टेक कर दिया और दूसरा मुझे क्या लग रहा है जो कैच छूटा था एक जो कैच छूट लगा था कि हाँ कैच हो गया लेकिन वो कैच छूट गया मुझे लगता है कि उस वजह से हारे अदरवाइज हार जीत खेल में होता है मुझे तो इस चीज से फर्क पड़ता नहीं है बस हाँ दुख लगता है क्योंकि यार हार गए और मुझे तो ये मेरे लिए मैं क्या सोचता हूँ कि खेल को खेल की नज़र से देखना चाहिए और हार जीत तो होता रहता है लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे सबसे बड़ी बात कि चलो एक रन से हार गए कोई बात नहीं लेकिन साउथ अफ्रीका की टीम को एक तरफ से पानी पिला दिया था इन्होंने इनके दांत खट्टे कर दिए थे गला सुखा दिया था एक रन मतलब समझ रहे हो ना आप एक रन से हार रहे हैं यार बहुत बड़ी बात है वो लोग भी सोच रहे होंगे यार ये लड़के इतना तजुर्बा भी नहीं है इनको और हम लोग 10-10 साल से खेल रहे हैं तो बहुत बड़ी बात होती है यार नए लड़के आगे पुरानी टीम को हिला के रख देना तो मैं तो बहुत खुश हूँ भाई इस मैच से कोई बात नहीं आगे बहुत मौके मिलेंगे और अच्छा परफॉर्म तो ये करते हैं लड़के और रवि लामी शामी मेरे को अभी सबका नाम याद नहीं है और एक एरी करके हैं और संदीप हैं बहुत सारे हैं मैं उनका नाम मेरे को याद अभी करना पड़ेगा क्योंकि मैं अभी नेपाल की ज़्यादा मैचेस देखे नहीं है तो मैं धीरे धीरे मैं करूँगा स्टार्ट बाकी मैं तो बहुत खुश हूँ हाँ थोड़ा सा लास्ट में दुख लगा कि थोड़ा सा और एफर्ट डालते तो एक रन आया था ड्रॉ हो जाता मैच तो चलो कोई बात नहीं ये कोई लास्ट मौका तो था नहीं बहुत मौका है आप लोग भी निराश मत होना मैं भी नहीं हूँगा क्योंकि आगे हमने बहुत कुछ देखना है इनका मैच का तो चलो वीडियो काफी लंबी होगी मिलता हूँ अगले वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखें माता पिता भाई बहन का दोस्त बड़ा शेयर मेरा भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें और पहली बार मैंने मैच का रिएक्शन किया है तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा तो चलो मिलते हैं ऐसे अच्छे से रिएक्शन वीडियो के साथ तब तक अपना ख्याल रखें जय नेपाल जय भारत।